बटा चौबीस करोल बाग आ जाइयो। आने से पहले एक बार फोन कर दिया होता तो अच्छा था। माफ करना जी, हमें आदत जरा अपने घर की है। हमारे घर का दरवाजा हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता है। खैर बताइए, अभी कैसे आना हुआ? वो आपने रोके की तारीख अगले हफ्ते की रखी है ना, तो उसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए थे। हम चाहते हैं कि आप उसे जरा एक दो दिन आगे। जैसा तू चाहेगा मैं सही हूँ। अब क्या चाहता है? माँ पापा कहाँ हैं? वो इसके ससुराल गए हैं तनुजा से बात करने। क्यों? कोई खास बात नहीं है। वो क्या है ना, सुरेंद्र भाई साहब का कोई केस चल रहा है मुंबई कोर्ट में। अचानक से उसकी पेशी की तारीख निकल आई है। तेरे पापा जी का जाना जरूरी है गवाही के लिए, तो बस रोका अगले से अगले हफ्ते करने गए हैं। क्या? लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तनेजा अंकल अगले हफ्ते अनुज का रोका नहीं शादी करवाना चाहते। क्या मुझे ये बताने आए हैं कि आप अगले हफ्ते रोका भी नहीं कर सकते, जबकि मैं अगले हफ्ते शादी की बात कर रहा हूं? आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारा इंतजाम मैं करवाऊंगा, शादी मैं करवाऊंगा, तो फिर अगले हफ्ते शादी क्यों नहीं हो सकती? तनेजा सर, हम यहाँ दो परिवारों की बात कर रहे हैं। मेरी दुकान पर पड़े शादी के जोड़ों की नहीं, जिसका आपने ऑर्डर दिया और आपकी बताई तारीख और आपके बताए वक्त पर माल की डिलीवरी हो गई। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया था कि अगले हफ्ते के फंक्शन को जरा आगे बढ़ा दीजिए, ताकि मैं अपने भाई के कोर्ट केस की तारीख पर हाजिर हो सकूं। मैं यहां पर किसी किस्म की धमकी या हिदायत लेने नहीं आया था। ऐसा है सेठी साहब, मेरे लिए बात बहुत सिंपल है। हमारे गुरुजी ने कह दिया है कि यह शादी अगले हफ्ते ही होनी है, तो ये शादी या तो अगले हफ्ते होगी या कभी नहीं। आप शादी अगले हफ्ते कर लो, लेकिन बारात मेरे घर से नहीं निकलेगी। आपका दिया रिश्ता मैं ठुकरा रहा हूं। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की अनुज? क्या जरूरत थी शराब पीने की? सब कुछ ठीक तो जा रहा था। I hate you! अनीता को क्या हो गया? उसका फोन लगातार रिंगे जा रहा था और अब नोटरी जी बुला रहा है। अनुज तू ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? शायद उसने फोन ऑफ कर दिया होगा बेटा। देख तू परेशान मत हो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा जी गए हैं ना वहां बात करने के लिए, वो बात को बिगड़ने नहीं देंगे। माता रानी सब कुछ ठीक करेंगी। क्या ठीक करेगी माता रानी? पापा जी मुझे साथ नहीं ले सकते थे क्या? आखिर क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे? हर बार किस बात का बता देते हैं मुझसे। अनुज बेटा ये तो ठीक नहीं कह रहा है। अगर मेरी शादी या रोके की डेट को आगे या पीछे करना था तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अनुज सीधे मेरे ससुराल जाने की क्या जरूरत थी? अनुज वो पापा जी हैं तेरे। हाँ है, लेकिन अगर आज वहां कुछ गड़बड़ हुई ना मां, तो मैं घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा।